मैं आपको मिलवाती हूँ राबिया दी गीत से, जिसने ये जैकेट सिर्फ सिर्फ जब वी मेट की गीत से, जब वो बस रास्ते में आ गई। ये झूठ, जूते पॉलिश कर रही है अपने। ये सब लोग मुझे छोड़ के चली गई थी एकदम, मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के मैं भी कॉन्सर्ट पे जाकर अपनी बहनों को दूंगी सरप्राइज। राबिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, बाबा मेरी बहन रोना शुरू हो गई। Welcome to another day, welcome to another vlog. आज का दिन कैसा गुजरने वाला है? आज का दिन फिर शोरगुल में स्टार्ट होता है। आपको पता है हमारा दिन शोर के बगैर शुरू ही नहीं होता। आई जस्ट वोक अप और मैं नीचे आई हूँ, मुझे व्लॉग भी अपलोड करना था, फटाफट उसकी एडिटिंग कंप्लीट करके फौरन नीचे आई हूँ। मैंने नाश्ता किया, मेरी जान में जान आई। बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप डेली व्लॉगिंग करते करते एकदम रुक क्यों जाती हैं, ब्रेक क्यों लेती हैं, गैप क्यों लेती हैं। तो गैप इसलिए लेती हूँ, समटाइम मेरा व्लॉग उस टाइम पे एडिट नहीं हो पाता। आजकल मसरूफियत भी बहुत बढ़ गई है और कुछ एंगेजमेंट वगैरह की तैयारियां भी चल रही हैं। और किसी का मुझे डीएम पे मैसेज आया था कि यार आप हमसे ना चीजें छुपाना शुरू हो गई है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती, मैंने अपने जो होने वाले हस्बैंड है वो आपसे जरूर छुपाए हैं और वो मैं बहुत जल्द दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि बंदे को थोड़ा कैमरे के साथ इजी करने में टाइम लगता है, तो वो बहुत यूज टू नहीं है कैमरा के, तो उनको थोड़ा अभी कन्विंस कर रही हूँ कि प्लीज आ रहे प्लीज। मैं लाइक अभी नहीं, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा यू नो थोड़ा इजी कर लू एंड देन आई विल डेफिनेटली शो यू। अभी मैं चलती हूँ अपनी बहनों की तरफ जो कि इस वक्त तैयार हो रही है, रेड पे जाना है मैडम ने। मैं आपको मिलवाती हूँ राबिया दी गीत से, जिसने ये जैकेट सिर्फ सिर्फ जब वी मेट की गीत से, जब वो घर से भाग रही होती है उसे इंस्पायर होके लिए। ओए होए होए होए, मुझे बिल्कुल पता है कि जब हम लोग ये डेनिम की जैकेट खरीद रहे थे एंड शी वाज लाइक आपी आपी, मैं बताती हूँ आपको एक्टिंग करके, आपी आपी आपको पता है मेरे को क्या, ये गीते पहनती गीते कब गई, जब वो घर से भाग रही, मतलब ये जैकेट इसने जब वी मेट से इंस्पायर होके लिए। ओह ना, ओह क्यूट, आई लव दिस रेड कलर, आई एम इन लव विद दिस कलर। और राबिया की लुक जो है वो अच्छी लगने, नो नो ये दरमियान वाला तो गंदा सा कलर है, ये कलर प्यारा है। लेकिन ऐसा इस तरह का रेड तो मैं मिलने वाला भी नहीं है। वैसे हीरा एक ना वो लेकर आई थी अपने साथ ना, और कुछ हाँ शायद है, शायद शायद। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि आने वाले नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास घुड़ करके आ जाए। शर्ट राबिया के साथ मैच हो रही है, वाओ, ज़ैनब इज लुकिंग जस्ट फैबुलस। आइडिया नहीं हो रहा, बट आपका लाइनर किसने लगाया, इट्स सो परफेक्ट। तुम्हारा लाइनर तो मेरे को इतना खास नहीं लगा, जो बाहर कचरा है वो तुम्हारा क्रेडिट लग रहा है। हाँ अच्छा है, बस ठीक है, उसका ज्यादा अच्छा है। बस रास्ते में आ गई, ये झूठ। अब मैं गेट खोलने जा रही हूँ, बाबा मेरे बाहर आ चुके हैं। ये हिरापी और ये फातिमा वीडियो बना रही है, हिरापी आज कैमरा मैन बनी हुई है। और कैसे फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मेरी लुक है कॉन्सर्ट लुक, जिसमें मैं डांस भी थोड़ा सा कर लूंगी, ठीक है। पता नहीं तीन चार दिनों से मैं एंजॉय करती जा रही हूँ, बस मुझे नजर ना लगे, ठीक है। फातिमा भी रेडी होगी और फातिमा सबसे ज्यादा लेट किया है इसने आज, ठीक है। हमने 3 बजे पहुंचना था, अभी क्या टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं अभी, ठीक है। तो अब हम निकलते हैं फटाफट, पापा हमें छोड़ कर आएंगे और जाने भी रेडी होकर फातिमा फातिमा की लुक में आप लोगों को दिखा देती हूं। फातिमा कैसी लग रही हो तुम? अच्छा फातिमा भाई अपनी लुक कंप्लीट करेगी, इयररिंग्स पहन के जाना, अपनी लुक दिखाओ जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, यू नो आई एम सो बिजी पर्सन। इतने टेंट्रम्स आ गए कि लुक की डिजाइन ना, जनब जो है फातिमा की हाइट देते हुए, तुमने इयररिंग्स कहां से निकाले हैं फातिमा? बड़े अच्छे, मुझे समझ नहीं आ रहा आज, नहीं तो जिंदगी में आप यकीन करो कभी कोई चीज नहीं मिलती, आज मुझे इनर कहां से मिल गया, आज मुझे तुम्हारे जूते भी अच्छे, लुक अच्छी लग रही है। जूते पॉलिश कर रही है अपने, जैसे लड़के मर्द लोग मर्द हजरात सारे हाजिरी लग, क्या फनी लग रही है ना। तो हमने पापा को बहुत ज्यादा लेट कर दिया और अब हम फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देने जा रही हूँ, इट्स ऑल इन वन, लेट मी इंट्रोड्यूस वन प्रोडक्ट फ्रॉम चिल्टन प्योर रोजमेरी ऑयल। ये रोजमेरी ऑयल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा हो जाता है, एक्नी हो जाती है और बहुत ज्यादा जो है ना वो स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बाल गिरते हैं, बालों पर डेंड्रफ हो जाती है। तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप लोगों को सबसे मेन चीज मैं बता दूं कि आपने इसको कभी भी डायरेक्ट ना अपनी स्किन पे अप्लाई करना है ना अपने बालों पर अप्लाई करना है, क्योंकि हाईली कंसेंट्रेटेड होता है। जब भी फेस
पे लगाना है तो आपने इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके, यानी कि किसी भी चीज में इसके एक या दो ड्रॉप्स यूज होते हैं, डायरेक्टली आपने इसको नहीं अप्लाई करना। बालों पे लगाना है तो किसी ऑयल, जैसे सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आपने उसके अंदर इसको डालना है, इसके 2 से 3 ड्रॉप्स डालने, अपने स्कैल्प पे लगा लेना ताकि डैंड्रफ ना हो। अगर आपको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, गो टू देयर वेबसाइट, बाय योर्स। सो गाइस, मैं हो गई तैयार। आप लोग सोचोगे हीरा मेरी फुल लुक दिखाएगी कि मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। ये सब लोग मुझे छोड़ के चली गई थी एकदम, मेरे फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के मैं भी कॉन्सर्ट पे जाकर अपनी बहनों को दूंगी सरप्राइज। दे डोंट नो कि मैं आ रही हूँ, बट मैं कैसा उनके बगैर तैयार हूँ। मैं तुम्हें मिलेंगी नहीं वहाँ पे, फिर क्या मैं फोन करूंगी, मुझे पता है सिग्नल का क्राउड होता है, मुझे स्नैप्स रिसीव हो रही है कि हम यहाँ पे आके जलील हो रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, तुम जलील हो रही हो, मुझे बताओ आगे क्या सिचुएशन है। सो गाइस, मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। मुझे सुनने में आया था कि राबिया को यहाँ पे एंटर नहीं होने दिया, फातिमा को यहाँ पे एंटर नहीं होने दिया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पहुंची हूँ और अब मैं निकलूंगी यहाँ से, और मैंने बाहर क्राउड देख लिया और क्राउड कोई बहुत ही शदीद किस्म का है। बट एनीवेज, देखते हैं कि हमें आज जगह मिलती है या फिर हम इस दिल्ली लोगों के घर वापस जाते हैं। इतना तैयार हो के तो आए इजी। चुप तो करो, इजी हो जाओ। ए यार, तुम क्या हो गया, इस मसले आती रहती। मेरी बहन रोना शुरू हो गई है यहाँ पे। गाइस, राबिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, बाबा मेरी बहन रोना शुरू हो गई है। So guys, finally अभी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और उसके ये लोग हैं, and we are enjoying this vlog। So अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और राबिया हमें नहीं, राबिया मेरी फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ खड़ी हुई है। तुम्हें पता है ये लोग गेट पे खड़ी हुई थी और ये रोई भी थी। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत इजीली एंटर हुई, मुझे पता था हमारी। गाइस, ये लोग इतना हैवी वाला रोई है, इसके ब्रेसिस जो है वो मुँह से ऐसे बाहर आने लगे, क्योंकि एक बार भी ऐसे करके सर लग रहा था, पता लगे इसका जबड़ा बाहर आ गया। पता लगे यहाँ पे पहुंच गया, और मैं आपको दिखाती हूँ कि फातिमा यहाँ पे हो रही है तैयार। ये देखे भाई, मैडम तुम घर से तैयार नहीं हो के आई? ये मैडम पहले ही तैयार होके बैठी हुई है। आप ही को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ये खाने के लिए। मैं थोड़ा नहीं हूँ तो मेरा हेड कट जाता है। अब उन्होंने मेकअप लग, ये मेरा शोवा एक नीचे पड़ा हुआ, पता लगे इसको कोई ब्रीच करके चला गया। तो ये देखे, हाँ ये इतना बुरा ये आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है बैंड, और यहाँ से देखे क्राउड कितना ज्यादा, यहाँ पे भी आज भी बहुत ज्यादा है भाई। गाइस, ये पागल हो चुकी है, अभी ये घूम चुकी थी थोड़ी देर पे और अब इसको वीडियो बनानी है। सही कॉन्सर्ट तो ये औरत एंजॉय कर रही है। लव काजल की स्याही खत्म हो गई। इश्क हैप्पी आर एक और एक लेवल एंगल है। पागल हुआ था, गाने बहुत मजेदार है। तुझे बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई थी, किसने कहा था भूखे बैठा हो? और मेकअप कहाँ गया तुम्हारा? लाइनर लगा के तैयार हुई थी जो तुम। मैं पानी फेंका, मेकअप उतर गया था। ये घूम गई थी, वो भी बेचारी घूम गई है। मजा आया, बहुत मजा आया। ये देखो लोगों से पूछ रही है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है, ये लड़की यहाँ बैठी हुई है पागलों से ऐसे घूर रही है जैसे पता नहीं क्या हुआ। सब खत्म हो गया और सब लोग यहाँ से जा रही हैं। चलो और मैं फिर से बता जल्दी थी, मैंने इतने व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसे रिलाई नहीं किया, ऐसे थी। हमने कहा हम डांस करें। हाँ, मैंने सुना कि जिम में नाश्ता नहीं किया था उसकी वजह से। अब बहुत क्राउड जमा हो गया, लाइट बंद होगी, चलो उठो। घर से निकालना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि इनको इस जगह से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। राबिया जल्दी, यार इनको मैं कैसे निकालूं? मैं निकाल दूं, देख के लेके आओ जल्दी। राबिया जल्दी पहुंचो गाड़ी के पास, चलो तुम जो हो ना तुम चलाक।
हम लोगों को पार्किंग मिली जुगाड़ से, तुम्हें क्या पता होता। वैसे मैंने व्लॉग बाहर यहाँ से बनाया, घर का बनाया, गाड़ी में बनाया, उसके बाद आके नहीं बना। आके ऐसा हुआ कि मैं रोना शुरू फंस गई थी उधर, रो रही है, मैं से चुप करवानी, मेरे को चुप कर, जो कुछ नहीं था लोग अब की आंखों का मजाक उड़ाते। अच्छा तो अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी गाड़ी बहुत दूर पार्क है, मजा नहीं आया, बस ठीक था। मुझे बहुत मजा आया, मुझे पहले नहीं ज्यादा थी और मजा कम था, बस ठीक था। कल अब डीजे नाइट है, कल डीजे नाइट है, कल भी कुछ है। मेरी तरफ से तौबा, मैं तो नहीं आने वाली यार, मैंने नहीं आना, आई डोंट वांट टू कम। तुम उठ जाओ कि तुम अब तुम था तुम पीछे बम गिरा। तो क्यों है ये तन्हाई, ये देख के ये पागल गार्ड, ये पागल तो नहीं। तो क्यों है ये रुसवाई, इवेंट के बाद मेरे होटल पे ये लाइन है, तो क्यों है ये रुसवाई, आने की भी तुम्हें जल्दी होती है। जाने लगे हैं घर गाइस, ठीक है, तो फंस के फुल बैठे हुए हैं, गिरनी नहीं हूँ, फंस गई हूँ। ओके फातिमा के साथ दोबारा घर जाके मुलाकात होती है, लेट्स गो। और सही रहा, मैसेज करके कह रही है खाने को कुछ लेती है ना, लेके आना फातिमा उसके लिए कुछ। सो गाइस आज हम लोग गए हैं पहुंच, मेरी बहन ऐसे द्रफू चक्कर हुई है, और इतना प्यारा मौसम करके गई थी, इतने प्यारे मौसम से ही वापस आई हूँ, गेट बंद किया है। ओहो पापा ने कहा था दरवाजा खोले पापा, क्योंकि बाहर अपने दोस्त से बात करें। अब देखिए कितना शोर, अब ये जो राबिया है ना, ये घर में सबको अपनी बेहोशी के किस्से सुनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबको बेहोशी के किस्से सुना रही है। एंट्री के वक्त ऐसा था, सारे फंसे हुए थे, मैंने राबिया को मुझे पीछे एक्टिंग तो नहीं कर रही थी, असली में रोई थी, ऐसे ही था। और इसमें वीडियो बनाई होता है, फंस गए थे हम लोग एंट्री में। मैं अभी ऊपर आई हूँ और बस अब अपने कमरे में जाऊंगी, अपनी एक्सेसरीज मैंने उतार दी हैं, और बस अब मुझे बहुत नींद आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मैं हमेशा दिन के आखिर में बहुत थक जाती हूँ, आई नीड रेस्ट। अपनी दुआ में याद रखियेगा, अपना बहुत ख्याल रखियेगा। अब बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।